हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टायर टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेक्चर नंबर 22। तो चलिए देखते हैं क्रमित अनुदेशन। प्रश्न नंबर 21 है, इसमें अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसके सिद्धांत एवं विशेषताएं बताइए। इसी तरह का और भी क्वेश्चन है, देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं एवं मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन से क्या अभिप्राय है और रेखीय एवं शाखीय अभिक्रम की विशेषताओं की तुलना कीजिए। यह आपका DDU यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए उत्तर देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का उद्गम स्रोत अधिगम का मनोविज्ञान है। वैसे तो अभिक्रमित अनुदेशन के अनेक रूप हैं। इसमें B.F. स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन प्रभुत्ववादी या अधिनायकवादी अभ्यूह की श्रेणी में आता है। इस अभ्यूह में छात्रों को अनुक्रियाओं के लिए स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब होता है प्रोग्राम लर्निंग, जिसमें एक प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है एक निश्चित प्रक्रिया के तहत, और इसमें बच्चों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। सब कुछ शिक्षक के इंस्ट्रक्शंस पे ही होता है। छात्रों की अनुक्रियाओं का नियंत्रण अभिक्रम द्वारा किया जाता है। अभिक्रम का मतलब प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग व्यक्तिगत अध्ययन के लिए किया जाता है। यहाँ पे इस अनुदेशन का मतलब अधिगम व्यक्तिगत रूप में छात्र हर एक क्लास का हर एक छात्र अधिगम करे, इसके लिए अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उनकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। नंबर 1 है JESPIC तथा विर्ल विलियम्स के अनुसार, अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजित क्रम है जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज ए प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू प्रोफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस रिस्पांस रिलेशनशिप। यहाँ पे अभिक्रमित अनुदेशन को एक नियोजित क्रम में, जिसमें एक योजनाबद्ध तरीके से रखा जाता है किसी भी प्रोग्राम को, यानी कि क्रिया को, जिससे छात्र अधिगम करते हैं और वो व्यक्तिगत रूप से अधिगम करते हैं। नंबर 2 देखते हैं, सूसन मार्कल के अनुसार, अभिक्रमित अनुदेशन पुनः प्रस्तुत की जा सकने वाली क्रियाओं की श्रृंखला को संरचित करने की वह विधि है जिसकी सहायता से व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र के व्यवहार में मानवीय और विश्वसनीय परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ए मेथड ऑफ डिजाइनिंग रिप्रोड्यूसिएबल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स टू प्रोड्यूस मेजरेबल एंड कंसिस्टेंट इफेक्ट ऑन द बिहेवियर्स ऑफ ईच एंड एवरी एक्सेप्टेबल स्टूडेंट। अभिक्रमित अनुदेशन एक नियम क्रमित अभिक्रमित अनुदेशन एक क्रमबद्ध श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से अधिगम करना होता है अपने शिक्षक की निगरानी में, जिससे उसमें व्यवहार परिवर्तन तो होता ही है, मतलब वो अधिगम की तरफ तो बढ़ता ही है, साथ ही उसमें
विश्वसनीय परिवर्तन होता है, मतलब वो चीजों के बारे में समझने लगता है। स्टोफल के अनुसार ज्ञान के छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कितना क्लियर कहा गया है कि छोटे छोटे चीजों का अधिगम करते हुए बच्चा उस छात्र उस चीज के बारे में तार्किक तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करे और वो एक व्यवस्थित क्रम में ज्ञान प्राप्त करे, तो उस ज्ञान प्राप्त करने की जो श्रृंखला बनेगी एक प्रोग्राम के तहत बनेगी, तो उस प्रोग्राम को अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाएगा, प्रोग्राम लर्निंग कहा जाएगा। स्मिथ व मोरे के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू बी लर्न्ड लर्न्ड इनटू ए सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स। यूजुअली इट मूव्स द स्टूडेंट फ्रॉम ए फैमिलियर बैकग्राउंड इनटू ए कॉम्प्लेक्स एंड न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। बच्चे के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में उसके अधिगम के परिवर्तन को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके में रखना क्या कहलाता है? अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। अभिक्रमित अनुदेशन स्व शिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक विद्या है। प्रोग्राम लर्निंग इज ए टर्म समटाइम्स यूज्ड साइनोमनियसली टू रिफर टू द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो इंस्ट्रक्शनल मेथड। चलिए अब देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन सक्रिय अनुबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। इसके सब प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अभिक्रमित अनुदेशन सक्रिय अनुबंध, यहाँ पे सक्रिय अनुबंध का मतलब जिसमें शिक्षक और छात्र सक्रिय हों, शिक्षक अपने छात्रों के लिए एक ऑब्जर्वर का भी काम करेगा और एक इंस्ट्रक्टर का भी काम करेगा और उसके तहत वो सक्रिय होकर छात्रों की क्रियाओं को पर देख रेख करेगा और छात्र सक्रिय होकर अपने अधिगम की ओर बढ़ेंगे। चलिए पहला है लघु सोपान या छोटे पदों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। इस सिद्धांत के अनुसार जिस विषय वस्तु का अधिगम करना है उस विषय वस्तु के छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध रूप से विभाजित कर लिया जाता है। विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो तथा प्रत्येक पद अधिगमकर्ता को नवीन ज्ञान देने की योग्यता रखता हो। ऐसे होने पर छात्र अधिक सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला सिद्धांत जो है वो है लघु सोपान या छोटे पदों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत जो विषय वस्तु होती है उसको बहुत ही छोटे छोटे पदों में क्रमबद्ध तरीके से रख दिया जाता है। जैसे अगर कोई शिक्षक अपने छात्र को किसी भी पाठ्य वस्तु के विषय में बता रहा है तो उसमें छोटे छोटे पद इस तरह से रखेगा जिससे बच्चों को पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन उसके लॉन्ग टाइप के होंगे, कुछ कुछ शॉर्ट टाइप के होंगे, कुछ ट्रू फॉल्स होंगे। तो इस तरह से जो क्रमबद्ध तरीके से बच्चों को लर्न कराने की कोशिश करेंगे, अधिगम कराने की कोशिश करेंगे, तो उसमें बच्चों को याद तो होगा ही साथ में क्वेश्चन के माध्यम से वो उस चीज को अच्छे ढंग से सीख पाएंगे और एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे।
नंबर दूसरा देखते हैं, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को छोटे छोटे पदों को अधिगम करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। कभी कभी छोटे छोटे पदों में रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए छात्रों को सक्रिय होकर अनुक्रिया करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत क्या कह रहा है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बच्चों को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। बच्चों को अनसिन पैसेज वगैरह के थ्रू की तरह ही कुछ ऐसी क्रियाएं दी जाती हैं जिसमें बच्चों को हिंट प्रोवाइड कराया जाता है और उसी के आधार पर वो आगे के अनुक्रिया करते हुए अधिगम करते हैं। नंबर तीसरा है पृष्ठ पोषण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र को तुरंत ही उसकी अनुक्रिया के बदले में पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है। पृष्ठ पोषण का मतलब होता है, यदि छात्र की अनुक्रिया के बदले में पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है, यदि छात्र की अनुक्रिया सही है तो उसे आगे के पद फ्रेम सीखने के लिए दिया जाता है। अगर अनुक्रिया उत्तर गलत है तो पुनः वही पद फ्रेम सीखने के लिए दिया जाता है। अगर अनुक्रिया में उत्तर गलत है तो पुनः वही पद फ्रेम सीखने के लिए कहा जाता है। दोस्तों पृष्ठ पोषण का मतलब होता है एक तरह से बच्चों को आगे की चीज़ों के बारे में बताना। यहाँ पे आगे की चीज़ों के बारे में बताना, साथ ही जो चीज़ें बच्चे गलत करते हैं उनके बारे में सुधार करना। यहाँ पे जो भी अधिगम बच्चों को सिखाया जा रहा है उसमें छात्र उनका फीडबैक लेता रहता है, मतलब जो भी कमियाँ हैं वो देखता रहता है। अगर उसमें कुछ कमियां ज़्यादा पाई जाती हैं तो वो उसी चीज़ को, मतलब शिक्षक उसी चीज़ को फिर से करवाता है छात्रों से। अगर छात्र बेहतर ढंग से वो चीज़ पहले ही सीख चुका है तो शिक्षक के द्वारा अगले स्टेप के बारे में छात्र को बताया जाता है। तो इस तरह से पृष्ठ पोषण का सिद्धांत है ये। स्वतः अध्ययन की गति का सिद्धांत नंबर 4 है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। अभिक्रमित अन्वेषण सीखने की पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ विधि है, इसलिए इस पद्धति में प्रत्येक छात्र को यह अवसर प्रदान किया जाता है कि वह अपनी योग्यता, दक्षता तथा कौशल के अनुसार सीख सके। इसमें प्रत्येक छात्र अपने अध्ययन गति और योग्यताओं के अनुसार पदों को पढ़ता और सीखता है। स्वतः अधिगम की गति का सिद्धांत क्या कहता है कि यहाँ पर इस अनुदेशन के द्वारा बच्चा यानी कि छात्र स्वयं अपने आप से सीखने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ पे अभिक्रमित अनुदेशन में प्रत्येक छात्र यानी कि व्यक्तिगत छात्रों पर ध्यान दिया जाता है, तो हर बच्चा चाहे वो प्रतिभाशाली हो चाहे वो पिछड़ा छात्र है तो उसको सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है और उसे सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। वो अपनी योग्यता, दक्षता और कौशल के अनुसार सीखता है और अध्ययन करता है। अगर वो अपने अगले पद को सीख चुका है तो वो उससे आगे का पद सीखता है। अगर वो अभी पिछले पद को नहीं सीख पाया है तो आगे पिछले पद को फिर से सीखता है, फिर अगले पद की तरफ बढ़ता है। नंबर 5 देखते हैं, छात्र आलेख का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक अपने छात्रों का समय समय पर परीक्षण करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र अध्ययन करते समय पद के सीखने का आलेख तैयार करते हैं। शिक्षक इन आलेखों की जांच कर इनकी कमजोरियों का पता लगाता है तथा उन्हें दूर करने के लिए पदों का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक शिक्षक समय समय पर अपने छात्रों के अधिगम की जांच करता रहता है और इसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र अध्ययन करते समय पद के सीखने का आलेख तैयार करता है। आलेख तैयार करता है, शिक्षक इन आलेखों की जांच कर इनकी कमजोरियों का पता लगाता है। मतलब जो भी आलेख तैयार किया जाता है, शिक्षक के द्वारा शिक्षक उसकी जांच करता है,
करता है, साथ ही उनकी जो कमजोरियां हैं उसको दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। चलिए देखते हैं अभिक्रमित अन्वेषण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग। अभिक्रमित अन्वेषण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, अभिक्रमित अन्वेषण मनोवैज्ञानिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। अभिक्रमित अन्वेषण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसका ये सेंस हुआ कि ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर ही इसमें अन्वेषण किया जाता है। अभिक्रमित अन्वेषण व्यक्तिनिष्ठ होता है, इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति सीखता है। अभिक्रमित अन्वेषण में पाठ्य पुस्तक को अत्यंत ही तार्किक एवं नियंत्रित छोटे पदों में विभक्त कर छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। सारी वही विशेषताएं हैं जो हम लोग सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि अभिक्रमित अन्वेषण पाठ्य वस्तु को अत्यंत ही तार्किक और छोटे छोटे पदों में विभक्त करके छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 4 है, अभिक्रमित अन्वेषण में सीखने वाले को सक्रिय सतत अनुक्रिया करनी पड़ती है। नंबर 5 है, यह उद्देश्य आधारित शिक्षण पद्धति है। इसमें पाठ्य वस्तु कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की जाती है। अभिक्रमित अन्वेषण एक उद्देश्य पर आधारित होता है जिसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया जाता है और इसका एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये सारे कार्य किए जाते हैं। अभिक्रमित अन्वेषण में अभिक्रमित उद्दीपक, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन तीनों तत्व क्रियाशील रहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन में अभिक्रमित उद्दीपन यानी कि शिक्षक एक यहाँ पे उद्दीपक का कार्य करेगा और और छात्र उसे देखकर अनुक्रिया करेगा और उस छात्र और शिक्षक के द्वारा उसको पुनर्बलन भी दिया जाएगा। फीडबैक के बाद रीइन्फोर्समेंट भी दिया जाता है शिक्षक के द्वारा अगर बच्चा पद को अच्छे ढंग से करता है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि शिक्षक जब एक छात्र अपना पिछला पद समाप्त कर लेता है तो अगर वो सही किया है तो शिक्षक उसको नेक्स्ट पद की तरफ ले जाता है, तो वो उस पुनर्बलन के तौर पर ही वो उसको नेक्स्ट पद प्रदान करता है। नंबर 7 है, इसमें छात्र की प्रत्येक अनुक्रिया उसे नया ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षक प्रत्येक अनुक्रिया में स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ नया सीखता है, सिखाता है अपने छात्रों को। अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों के सम्मुख विषय वस्तु को समस्या को रूप में प्रस्तुत करता है। अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों के सम्मुख विषय वस्तु को समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है, मतलब यहाँ पे छात्र प्रत्येक पद को जब तक वो उसको सीख नहीं लेता उसको समस्या लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो सीख लेता है तो वो उस सीखे हुई चीज़ को वो चीज़ उसे आसान लगने लगती है, किंतु यह समस्या समाधान पद्धति ही है। इस अनुदेशन समस्या का नया रूप है जिसकी प्रमुख उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। अभिक्रमित अनुदेशन में पृष्ठ पोषण तुरंत मिलता है, अतः छात्रों की सही अनुक्रियाएं पुनर्बलित हो जाती हैं जिससे प्रतिभाशाली शिक्षण की सहायता मिलती है। यहाँ पे देखेंगे पृष्ठ पोषण तुरंत मिलता है, जब भी एक पद छात्र के द्वारा समाप्त किया जाता है तो शिक्षक उसे पृष्ठ पोषण देता है, यानी कि शिक्षक छात्र के पदों को देख करके अगर वो पद सही है तो वो उसे नेक्स्ट पद प्रदान करता है और उसे पुनर्बलित भी करता है, शाबाश वेरी गुड कहता है, जिससे प्रभावशाली शिक्षण की सहायता मिलती है, जिससे एक प्रभावशाली शिक्षण होता है। छात्र शिक्षक की निगरानी में सारे कार्य करता है और अगर छात्र अच्छा अनुक्रिया करता है तो शिक्षक उसे पुनर्बलित करता है। नंबर टेन देखते हैं हम लोग, अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों का निदान कर उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था करता है। जो भी कमियां छात्रों में रहती हैं और उनकी कठिनाइयों का उपचार शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में यह पद्धति नंबर 11 है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक उपस्थिति की अनिवार्यता को कम करती है। यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप, चूंकि यहाँ पे बच्चों के व्यक्तिगत स्तर की बात होती है तो प्रत्येक बच्चे के स्तर को देखा जाता है, तो यहाँ पे शिक्षक अगर कभी अनुपस्थित भी होता है तो भी
प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, छात्र खुद से इन सारी चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 12 देखते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों की आंतरिक तथा बाह्य सक्रियता प्रदान करने की एक विधि है, जिससे छात्र अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अत्यंत ही सक्रिय रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे कि अभिक्रमित अनुदेशन व्यक्तिगत अधिगम होता है, तो इसमें जब कभी शिक्षक अनुपस्थित हो जाता है तो भी छात्र सीखते रहते हैं, और इसमें आंतरिक तथा बाह्य सक्रियता प्रदान करता है। ये विधि छात्रों में आंतरिक और बाह्य, अंदर से वो प्रेरित होते हैं और बाहर से वो सक्रिय दिखते हैं, अपने कार्य को करते ही रहते हैं। अपने पद जितने भी शिक्षक के द्वारा प्रदान किए गए वो सारे पदों को वो करते रहते हैं, और जिससे छात्र अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में अत्यंत ही सक्रिय रहते हैं। अध्ययन अध्यापन का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक छात्र अपने अपने कार्यों में बिजी होते हैं, तो जो छात्र थोड़ा कमज़ोर होता है तो प्रतिभाशाली छात्र के द्वारा उसका फीडबैक लिया जाता है और रीइन्फोर्समेंट भी किया जाता है। कहीं ना कहीं सारे छात्र एक दूसरे की सहायता लेकर के भी इसमें अधिगम करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।